मानव का महाकाश चिंतन आत्मा के पक्ष में हो या विपक्ष में, चाहे जो भी हो, आस्तिकता और नास्तिकता से ऊपर उठकर हमेशा से ही ब्रह्मांड ने सभी मनुष्यों के समक्ष प्रस्तुत किया है एक चिरंतन को, एक असीम को। चंद्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र और दूर तक फैले ज्योतिर्विंदुओं के द्वारा आकार दिया है क्रमशः प्रसारित होते जगत की एक महाकल्पना को। मानो इस महाकाश में ही हमारी स्वप्न कल्पनाएं ही विचर रही हैं, रहस्यमयी वास्तविकता का रूप धारण कर। आदिकाल से प्राचीन काल और फिर ब्रॉन्ज युग से मध्य युग तक मानव के अंतरिक्ष चिंतन का केंद्र था चंद्रमा। और फिर केंद्र बन गया सूर्य। और बाद के समय में हमारा ब्रह्मांड चिंतन सूर्य और सौर मंडल से आगे बढ़कर और दूर तक प्रसारित हुआ। इसका केंद्र बनी आकाशगंगा। अंतरिक्ष के शोध के मामले में प्राचीन और मध्य युग के विज्ञान से आधुनिक विज्ञान का अंतर शोध के गहन और गहनतर धरातलों में निहित है। जिन सभी श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के शोध के कारण धर्म तत्व से प्राकृतिक विज्ञान को मुक्ति मिल पाई, उन सब में मुख्य नाम है निकोलस कॉपरनिकस 1473 से 1543, पॉलिश खगोलशास्त्री, ताइको ब्राहे 1546 से 1601, डेनिश खगोलशास्त्री, जियोर्दानो ब्रूनो 1548 से 1600, इटालियन खगोलशास्त्री और दार्शनिक गैलीलियो गैलीलाई 1564 से 1642, इटालियन गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भौतिक वैज्ञानिक योहान केपलर 1571 से 1630, जर्मन खगोलशास्त्री आइजक न्यूटन 1642 से 1727, अंग्रेज गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक। कॉपरनिकस ने 3 दशकों तक खगोलीय पर्यवेक्षण और शोध करके टॉलमी के भूकेंद्रिक ब्रह्मांड के बदले सूर्य केंद्रिक ब्रह्मांड का विचार प्रस्तुत किया। सौर मंडल के बारे में उनका ये क्रांतिकारी सिद्धांत कहता है कि अखिल ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। सन 1543 ईस्वी में प्रकाशित कॉपरनिकस की पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर्स ने ही दरअसल विज्ञान का ये अभूतपूर्व बीज रोपण किया था। टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले खगोलीय विज्ञान का सर्वाधिक विकास हुआ था ब्राहे के द्वारा। कॉपरनिकस ने मूलतः गणितीय विचारों को ब्रूनो के धार्मिक और दार्शनिक विचारों से जोड़ा और चर्च की नाराजगी के पात्र बने और उसी के द्वारा जलाकर मारे गए। ब्रूनो कुछ एक चौंकाने वाली खगोलीय घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड असीम है, उसका अस्तित्व सृष्टि के अतीत से
और अनंत काल से कायम है। इस ब्रह्मांड का कोई केंद्र बिंदु नहीं। हर नक्षत्र असल में एक सूर्य के जैसा है। मगर उनके ये सिद्धांत विज्ञान पर कितना आधारित थे और कितना दर्शन पर, इस पर बहस होती है। विज्ञान में परीक्षण आधारित पद्धतियों के मुख्य प्रवर्तक हैं गैलीलियो। टेलीस्कोप की सहायता से शुक्र ग्रह के विभिन्न पहलू, सौर धब्बों, चांद की पर्वत श्रेणियों आदि का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। पर्यवेक्षण कर उन्होंने आविष्कार किया था कि बृहस्पति के चार उपग्रह हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि सभी ग्रहों और उपग्रहों की भांति पृथ्वी भी घूमती है। आंखें दिखाया तो गैलीलियो ने लिख दिया कि पृथ्वी नहीं घूमती, लेकिन पृथ्वी उसके बाद भी घूम रही है, घूमती रहेगी चाहे जितना भी आंख दिखाओ। गैलीलियो की भांति डेकार्त का भी मानना था कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कहकर गैलीलियो ने चर्च की नाराजगी मोल ली है। इसलिए डेकार्त ने अपने विश्वास को छिपा कर रखा। केपलर प्राग में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्राहिक प्रयोगशाला में उन्हें काम करने का अवसर मिला। ब्राहे के आंकड़ों का प्रयोग कर केपलर ने तीन प्रसिद्ध सूत्रों में कहा, विभिन्न ग्रहों का गतिपथ वृत्ताकार नहीं वरन अंडाकार है, अपने अपने कक्षों में घूमते ग्रहों की गति समान नहीं है, और सूर्य के चारों तरफ घूमकर वापस लौटने में किसी ग्रह को जितना समय लगता है उसका वर्ग और सूर्य से उसकी दूरी के घनफल का अनुपात हर ग्रह के संदर्भ में बराबर है। थेल्स से लेकर केपलर तक हजारों वर्षों से अनगिनत वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने सही सौर मंडलीय तरीकों से शोध किया है। केपलर पर आकर ये शोध खत्म होता है। न्यूटन के कालजयी आविष्कार के कारण वैज्ञानिक क्रांति के दौर में विज्ञान को सही आकार मिला। यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स को न्यूटन ने ब्रह्मांडीय मैकेनिक्स तक प्रसारित किया। उन्होंने गैलीलियो के सूत्र को गिरते हुए वस्तुओं और ग्रहों की गति दोनों पर कारगर प्रयोग करके दिखलाया। गतिशीलता के विभिन्न सिद्धांतों का उन्होंने ब्रह्मांड की वस्तुओं और उनके आसपास के तत्वों पर प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि मध्याकर्षण किसी भी वस्तु का अंतर्निहित गुण है और आकर्षण का सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। सिद्धांत, प्रयोग और परीक्षण आधारित आविष्कार खगोल विज्ञान के इन तीन पहलुओं में ऐसा योगदान दूसरे किसी वैज्ञानिक का नहीं है। केपलर ने सही सौर मंडलीय पद्धति के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न ग्रहों का गतिपथ कैसा है और गति कैसी है, मगर ऐसा क्यों है ये वो नहीं बता पाए। इस क्यों का उत्तर दिया न्यूटन ने। While orbiting a star called the sun every 365 days. This is the sun, mostly hydrogen and helium. Its surface temperature is nearly 10,000 degrees Fahrenheit.
For energy, our sun converts 700 million tons. इस ब्रह्मांड के संदर्भ में न्यूटन ने वस्तुओं के दो द्रव्यमानों की बात कही थी, भौतिकीय द्रव्यमान तथा मध्याकर्षक द्रव्यमान। इन दोनों का मान बराबर है ये उन्हें पता था, लेकिन ये बराबर क्यों है इसकी व्याख्या के लिए आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद का इंतजार करना पड़ा। आइंस्टाइन ने इतने दिनों तक प्रचलित स्थान, काल और गति से संबंधित धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कार्य को करते करते उन्होंने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का समाधान किया और मध्याकर्षण की धारणा को संपूर्ण नया रूप दिया। धरती के चारों ओर चंद्रमा या सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का लगभग वृत्ताकार पथ किसी गिरती हुई वस्तु के गति पथ जैसा तो नहीं दिखता। इन दोनों बातों में यदि सीधी समानता होती तो न्यूटन के मध्याकर्षण के सिद्धांत की खोज किसी ग्रीक वैज्ञानिक द्वारा हो चुकी होती। लेकिन बहुत दिनों के बाद 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने आविष्कार किया कि जो मध्याकर्षण चांद को चलाता है वही एक सेब को भी धरती पर नीचे गिराता है। बहुत सारी बातों में न्यूटन और आइंस्टाइन की सोच एक जैसी है। जहां तक आइंस्टाइन का सिद्धांत न्यूटन के सिद्धांत के संग मेल खाता है, वहां तक आइंस्टाइन का वर्णन भी न्यूटन के वर्णन से बहुत अलग नहीं है। लेकिन पहले के वैज्ञानिकों के साथ आइंस्टाइन के सिद्धांत में बहुत सूक्ष्म अंतर है। न्यूटन ने आविष्कार किया था कि मध्याकर्षण से पैदा हुआ बल ग्रहों की गतिविधि की पूरी व्याख्या कर सकता है। आइंस्टाइन ने मध्याकर्षण की बात को परे कर कहा कि ग्रह और चंद्रमा गिर रहे हैं और कर्व्ड स्पेस में यथासंभव सीधे सीधे गिर रहे हैं। E is equal to MC square। द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संपर्क बनाने वाला यह सिद्धांत आइंस्टाइन का युग प्रवर्तक सूत्र स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सार मर्म है। विशेष सापेक्षतावाद उच्च गति और अति द्रुत गति की प्रतिक्रिया की बात करता है। Radioactive poisoning of the atmosphere and in annihilation of any life on Earth has been... General theory of relativity मध्याकर्षण पर आधारित है। साधारण सापेक्षतावाद ने शून्य स्थान और काल की सापेक्षता के मिश्रण से जन्मे एक चार आयामी विस्तार के रूप में विश्व की सृष्टि की है। तीन आयामी स्थान और एक आयामी काल। इस सिद्धांत में चतुर आयामी विस्तार को अविच्छेद्य कहा गया है। उस धारणा को वस्तु की उपस्थिति तोड़ देती है, कर्व्ड स्पेस। इसी अवस्थान को हम मध्याकर्षण के नाम से जानते हैं।